हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिरेन राठौड़ और आज जैसे कि थंबनेल आपने देख ही लिया है, हम डिस्कशन करने वाले हैं कपूर के बारे में। दोस्तों, कपूर हम सब ने देखा ही हुआ होगा, ज़्यादातर हम इस चीज़ को पूजा पाठ में उपयोग करते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ उसके बहुत ही अद्भुत उपयोग शेयर करने वाला हूँ, जिसके बारे में सुन के आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इन अमेजिंग इंडिया, और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक करना ना भूले। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहला नुस्खा, अगर आपको सर्दी या खांसी है तो कपूर को सिर्फ सूंघ लीजिए। आपको सिर्फ सूंघने मात्र से आपकी सर्दी और खांसी बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपको जल्द ही इस बीमारी से राहत मिल जाएगी। नंबर टू, अगर दांतों में दर्द है दोस्तों, अगर किसी भी इंसान को दांतों में दर्द है तो दर्द वाली जगह पर कपूर के पाउडर को लगा लीजिए, आपको तुरंत ही राहत मिलेगी और दर्द बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तीसरा उपाय, अगर किसी भी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं, बालों से लेकर उसकी कुछ समस्या है, तो नारियल तेल के साथ कपूर के पाउडर को मिक्स करके उस तेल की हल्के हाथ से सिर पर मालिश करनी चाहिए, बालों का झड़ना बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी। दोस्तों, जोड़ों का दर्द ये बहुत ही आम समस्या है, ज़्यादातर ये उम्र दराज लोगों को होती रहती है। अगर किसी भी व्यक्ति को जोड़ों के दर्द की परेशानी है तो कपूर के तेल की मालिश जोड़ों पर करनी चाहिए, उससे जोड़ों का दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और उसको आराम मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति जल गया है, मतलब कि बर्न हो गया है, तो उस जले हुए भाग में कपूर के तेल की मालिश करनी चाहिए, ऐसा करने से जल्द ही आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, कपूर अपने चेहरे के लिए भी बहुत ही लाभदायी है। कपूर को कूट के उसका पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को हल्के पानी से मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए और उसको चेहरे पे लगाइए। ऐसा करने से आपका चेहरा बिल्कुल ही खिल जाएगा, ग्लो करने लगेगा, और साथ ही अगर चेहरे पे कुछ भी दाग धब्बे या कुछ भी है तो वो भी दूर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको कान में दर्द है तो कपूर को तुलसी के रस के साथ मिलाकर उसकी दो दो बूंदे कान में डालनी चाहिए, इससे कान का दर्द तुरंत ही गायब हो जाएगा और आपको कान के दर्द से राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ कपूर के बेहतरीन उपाय जो आप घरेलू नुस्खों में ऐड कर सकते हैं और उसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।